और लहसुन का पेस्ट डाल के इसको मिक्स करेंगे। दालचीनी डालेंगे थोड़ी सी इसमें ज़्यादा खुशबू के लिए, और लौंग डालेंगे इसमें। आप लौंग का पाउडर भी डाल सकते हैं, साबुत लौंग हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिया मिर्च भी इसमें ज़्यादा थोड़ी सी डाल देंगे। पात का पत्ता भी हम लोगों ने डाल दिया है। खुशबू के लिए ये मसाला ज़्यादा होते हैं, इसमें ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बारियन के फूल भी इसमें ऐड कर देंगे अभी थोड़े से। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। इसको हल्की आंच पे बनाएंगे, क्योंकि ये अदरक और प्याज का सिर्फ पेस्ट होता है, वो नीचे लगने का भी काम होता है थोड़ा सा। आँच थोड़ी सी हल्की कर लेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा हमारे चैनल को। हल्दी डाल देंगे इसमें जाकर, और किसी भी लाल मिर्च भी डाल देंगे। हल्की आंच पे मसाले को तैयार करेंगे जब तक ये नीचे लगना ना शुरू हो जाए। जब ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा इसका मतलब है कि आपका मसाला रेडी है। हल्की आंच पे इसको थोड़ा सा हिलाते जाएंगे।
5 से 7 मिनट तक हम इसको भूनेंगे, फ्राई करेंगे थोड़ा सा। बहुत ही प्यारी लग रही है सब्जी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जी। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि सब्जी का कलर अब चेंज हो गया थोड़ा सा, अच्छी तरह भून गई है और नीचे लगना शुरू हो गई है थोड़ा सा। इसको हिलाते जाएंगे चम्मच से, अच्छी तरह इसको भून लेंगे। नमक मसाला इसमें ऐड कर लेंगे अच्छी तरह से। चावल हमने 2 गिलास भिगो के रखे हुए हैं, वो रोटी दुगनी साइज में हम लोग पानी ऐड करेंगे। 2 गिलास चावल हैं तो हम 4 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। उबाला दिया अच्छी तरह, जब सब्जियाँ उबल जाएं इसको ढक्कन को हटा के इसको थोड़ा सा मिक्स करके देखेंगे। बस 2 गिलास हमने भिगो के रखे थे। अच्छी तरह चावल मैंने बहुत साफ कर देंगे, चावल को पेस्ट होना चावल हमने ऐड कर दिए। अच्छी तरह हला देंगे जरा इसको, जो यखनी बनी थी सब्जी की उसके अंदर चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि उनके अंदर जरा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, रच जाए उसके अंदर जायका उसका। पानी है ना खुश्क हो चुका है काफ़ी हद तक, ऑलमोस्ट खुश्क हो गया। मज़ीद थोड़ा ट्राई कर देंगे ताकि ये दम के लिए रेडी हो जाए। सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड कर देंगे ताकि इनका आखिर बैठता है तो मसली के थोड़ा सा इनका कलर होता है वो बिल्कुल ठीक बनाता है, जायका भी आएगा। चावलों को दम खोलने के बाद जब हिलाएंगे ना साइड से आराम से ताकि चावल टूटे ना, उनका साइज ना खराब हो। आ जाए गैस पे, भाई रश नहीं होता।